नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो टेक्नो पोवा स्मार्टफोन आ चुका है, तो बहुत अच्छी पैकेजिंग भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है पोवा। तो बेसिकली ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा हो सकता है। 9,900 रुपीज़ प्राइस से स्टार्ट होता है और इस सेगमेंट में जो सबसे सुपर फ़ोन है वो है रेडमी 9 प्राइम 9,999 रुपये में, उसमें भी है और उसके अंदर में भी G80 प्रोसेसर लगा है और इसके अंदर में भी G80 प्रोसेसर है। तो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी बैटरी कैसी है, कैमरा कैसा है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है और डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में बात भी करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं इसका डब्बा खोल। तो सबसे पहले करते हैं इसका डब्बा खोल और सबसे पहले दिखाता हूँ कि इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही शानदार है। पैकेजिंग मतलब ओवरऑल पैकेजिंग के मामले में तो इस बार टेक्नो ने बहुत ही दिल खुश कर दिया है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,999 की प्राइस लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ऑनलाइन मिलती है 9,999 रुपये में। और ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ में आता है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 है और साथ में हेलियो G80 प्रोसेसर ऑक्टा कोर दे रखा है और इसमें बहुत सारे इसमें फीचर्स दे रखे हैं और गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है। तो सबसे पहले करते हैं इसका डब्बा खोल। तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको कट और कट करने के बाद फिर इसको देखते हैं कि क्या है इसके अंदर में बढ़िया। और मैं इसको निकालता हूँ इसको बाहर और ये देख लेते हैं, ये बहुत बड़ी मतलब बहुत ही ह्यूज लग रहा है देखते ही। इसके अंदर में सबसे ख़ास बात है कि इसके साथ में आपको केस मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले केस निकाल लेते हैं और केस निकालने के बाद आपको फिर दिखाता हूँ। तो ये इसका निकाल लिया हमने रैपर को बाहर और आप देख सकते हैं कमाल का है दोस्त। ये कलर जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत तगड़ा है और इसका जो टोटल डिज़ाइन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो कैमरे की जो यहाँ पे प्लेसमेंट है बहुत अच्छी दे रखी है और रियर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन है और वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाता है अप एंड डाउन। और टॉप में आप देखेंगे बिल्कुल खाली है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे स्पीकर की जो ग्रिल है वो यहाँ पे नज़र आएगी। और लेफ्ट हैंड साइड में गूगल असिस्टेंट बटन मिल जाता है रेड कलर का और साथ में सिम कार्ड ट्रे है। और रियर साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एक माइक्रोफोन है और एक 3.5 mm जैक है और आपको मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है इसके अंदर में। तो इसको मैं कर लेता हूँ ऑन और ऑन करने के बाद फिर इसको और भी सारी चीज़ें बताऊँगा और इसके साथ में और भी देख लेते हैं क्या मिल जाता है। और ये यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं, इस पेपर को बिल्कुल संभाल कर रखिए, काम आएंगे। और इसमें 12+1 मंथ्स की वारंटी मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। और ये साथ में आपको यहाँ पे एडेप्टर मिल जाता है और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके साथ में आपको मिल जाएगी और ये यहाँ पे सिम इंजेक्शन टूल दे रखा है। और ये आप नीचे देखेंगे तो इसके साथ में आपको मिल जाएगा माइक्रो USB केबल है, इसके अंदर में टाइप सी केबल नहीं दे रखा। तो ये मैं सिम कार्ड को निकालता हूँ बाहर। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में डुअल सिम है और साथ में डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट दे रखा है। तो करते हैं दोस्तों इसको ऑन और फटाफट से इसके सारे सेटअप करते हैं और सेटअप करने के बाद फिर मैं आपको सारी डिटेल आपको बताऊंगा। दोस्तों हमने कर लिया इसका डब्बा खोल। तो डिज़ाइन के मामले में कहेंगे तो बहुत अच्छा फ़ोन हो सकता है क्योंकि ये लाइट वेटेड लगता है हाथों में, लेकिन एक्चुअल में इसकी वेट जो है 215 ग्राम है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के मामले में मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि रियर साइड में जो आपको क्वाड कैमरे का सेटअप है वो बहुत अच्छा है और रियर साइड में आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर भी। और जो क्वाड कैमरे का सेटअप है उसके अंदर में क्वाड LED फ्लैश मिलता है। इसकी जो लाइटिंग है जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसकी लाइटिंग LED फ्लैश की जो क्वाड फ्लैश है कमाल की है, जैसा कि अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बार देखिए इसको। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइटिंग क्वालिटी है या इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया LED फ्लैश लाइट पे। अगर इसमें FHD होता तो बहुत मज़ा आता है। HD प्लस है और Redmi 9 Prime के अंदर में आपको FHD मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के मामले में ये मुझे फ़ोन ठीक लगा। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसके अंदर में MediaTek Helio G80 प्रोसेसर लगा है जो गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा देता है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ और मैंने इसमें दोनों गेम खेले, COD गेम भी खेला और नीड फॉर स्पीड गेम भी खेला और दोनों गेम खेलने में मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ये होता है कि डाउनलोड करने में, चूंकि 2 GB का वो गेम है COD, तो डाउनलोड करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप गेम खेलते हैं तो गेम खेलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथ में ये भी बहुत बढ़िया है,
कि इसके अंदर में आपको गेम मोड दे रखा है। तो गेम मोड में एडवांटेज ये है कि अगर आपने नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया तो आप सिर्फ गेम खेलते रहिए। और इसके साथ में एक पॉइंट और भी है कि अगर आप चाहें तो अपने हेल्थ के इशू को लेके वो सेट कर देंगे, तो हर 2-3 घंटे में रिमाइंडर आ जाएगा कि आप इसको मूव करिए या अपने गेम को बंद कर दीजिए। पैरेंटल कंट्रोल भी है इसके अंदर में। तो गेम मोड एक बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे। तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। और इसके अंदर में GPU ARM G52 लगा हुआ है और साथ में गूगल असिस्टेंट बटन भी मिल जाता है। 4GB RAM और 64GB ROM के साथ में आता है। साथ में एक दूसरा एक और मॉडल है वो 6GB RAM और 128GB ROM में मिल जाता है। और इस अंदर में हाई OS ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी जो ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, और ये एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। और साथ में आपको ये जो MediaTek Helio प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2 GHz के साथ में, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसके साथ में जो फेस अनलॉक है बहुत ही सुपर फास्ट लगा मुझे। तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूँगा ये बहुत बढ़िया फ़ोन लगा मुझे। तो अब बात करते हैं कैमरा के मामले में। तो क्वाड कैमरे का जो सेटअप है इसके अंदर में 16 MP का मेन लेंस है, 2 MP 2 MP का दो लेंस और है, और साथ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेंस मिल जाता है यानी AI लेंस मिलता है। और इसकी जो सबसे खास बात जो मुझे लगती है कि क्वाड फ्लैश भी है इसके अंदर में, वीडियो बुके भी मिल जाता है, मैक्रो भी मिल जाता है, स्लो मोशन में भी आप वीडियो बनाते हैं तो बुके इफेक्ट मिल जाता है, और 8x zoom मिल जाता है। ये बहुत सारे इसमें अंदर ख़ास बात हैं, और इसमें मैंने बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो डाले हैं जो मैंने सैंपल लिए, तो आप देखिए इसमें आपको लगेगा कि पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं कहूँगा जो मेन लेंस है 16 MP का वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो बाकी जो छोटे लेंस है 2-2 MP के, मुझे लगता है शायद वो 5 MP का होता तो बहुत बेटर हो सकता था। और अब बात करते हैं फ्रंट लेंस में। फ्रंट जो सेल्फी लेंस है वो 8 MP के आया है, और इसमें सबसे खास बात बताता हूँ आपको, उसमें डुअल LED फ्लैश मिल जाता है यानी नाइट में वीडियो और फोटो अगर आप बनाते हैं सेल्फी तो बहुत मज़ा आएगा फ्रंट का, तो आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखिए ये इतना बढ़िया फीचर लगता है मुझे। टेक्नो के जितने भी ऑलमोस्ट जो फ़ोन आते हैं बजट सेगमेंट में ही बनाती है फ़ोन, इसके अंदर में आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाता है फ्रंट में भी, तो ये मुझे इसका फीचर ज़्यादा बेटर लगता है। और इस हिसाब से मैं देखूंगा तो नाइट में भी अगर आप वीडियो और फोटोग्राफी करते हैं तो बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से। ओवरऑल मैं कहूंगा जो कैमरे की जो क्वालिटी है, जो कलर डायनेमिक्स है, जो डायनेमिक रेंज है इसका, मुझे मेन कैमरा जो है 16 MP का मुझे ठीक लगा। फ्रंट लेंस भी 8 MP का वो बहुत अच्छा है, चूंकि होता क्या है कि आप बिल्कुल नज़दीक से आप फोटो लेते हैं तो 8 MP बिल्कुल मोर देन सफिशियंट है, और मुझे लगता है LED फ्लैश एक बहुत ही एडिशनल एडवांटेज है। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी। बैटरी ही तो दोस्त इसकी कमाल की है, 6000 mAh की बैटरी है। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ परसों ये फ़ोन मेरे पास आया था और मैंने पूरी टेस्टिंग करी है, जैसे मैंने गेम भी खेला है, बहुत सारे वीडियो भी लिए, फोटोशूट भी किया, और ये जब मेरे पास आया था तो उस समय 50% ये चार्ज था। फिर मैंने 100% फुल चार्ज करने के बाद इस फ़ोन के सारे फीचर्स और सारी टेस्टिंग करनी शुरू करी, तो आप ये देखिए कि परसों मेरे पास ये फ़ोन आया था, तो अभी 24 घंटे होने वाले हैं इस फ़ोन को मेरे साथ रहते हुए, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर में 28% बैटरी अभी भी बैलेंस है। ये एक सबसे अच्छी बात है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि बैटरी के हिसाब से तो सुपर कमाल का है ये, 6000 mAh की बैटरी है और 18 W का इसके अंदर में फ्लैश चार्ज मिल जाता है। और जहाँ तक चार्जिंग की बात है तो इसको फुल चार्ज करने में आपको 0% to 100% चार्ज करने में 2.5 घंटे लग जाएंगे मिनिमम, और जहाँ तक बात है कि जो मैंने 50% से 100% चार्ज किया तो 1 घंटे के अंदर चार्ज हो गया। तो 18 W का जो फ्लैश चार्जर है मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया फीचर है इसका। बस एक पॉइंट मुझे यहाँ लगता है नेगेटिव कि ये micro USB केबल है, तो मुझे लगता है कि अगर टाइप सी केबल होता तो शायद और ज़्यादा फास्ट हो सकता था। अदरवाइज मुझे लगता है कि micro USB भी ठीक ठाक है 9999 के हिसाब, लेकिन Redmi 9 फ़ोन के अंदर में टाइप सी केबल आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो अलग बात है कि उसकी बैटरी जो है 6000 mAh की नहीं है, 5020 mAh की बैटरी है उसके अंदर। तो अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी को लेकर, ये फ़ोन बहुत शानदार फ़ोन हो सकता है। 9999 की प्राइस है, 4 GB की रैम है और 64 GB ROM भी मिल जाता है, G80 का प्रोसेसर भी मिल जाता है, और एक मॉडल आ रहा था 11999 उसके अंदर में आपको 6 GB का रैम और 128 GB का ROM मिल जाता है। तो वैल्यू फॉर मनी के मामले में कहूँगा ये फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक खास बात है और इस फ़ोन के अंदर में कि इसके नीचे में आपको स्पीकर ग्रिल नज़र नहीं आता, जो स्पीकर है वो आपको फ्रंट में मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप स्पीकर पे साउंड क्वालिटी या म्यूज़िक सुनते हैं तो बिल्कुल सामने आता है, और इसकी वजह से जो साउंड की क्वालिटी है या उसका जो लाउडनेस है या इंटेंसिटी है बहुत बढ़िया आता है। जैसे मैं भी सुनाता हूँ म्यूज़िक इसका, तो अभी मैं
अभी आप सुन सकते हैं कि क्या मतलब कितनी ह्यूज साउंड है। अभी मैं इसको पूरा फुल कर देता हूँ। तो आप सुन सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है साउंड की बहुत अच्छी है, और लाउडनेस भी इसका बहुत बढ़िया है। उसका रीज़न है कि स्पीकर तो वही है सेम जो टेक्नो के जो आपके 9 या 10 हज़ार के फ़ोन में आते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में होने की वजह से क्या होता है कि जो वॉल्यूम है या जो उसकी साउंड है वो सामने की तरफ आती है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट। तो सबसे पहले बताऊंगा नेगेटिव पॉइंट। तो मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगा बेसिकली 3 लगे। पहला कि माइक्रो यूएसबी इसके अंदर मिलता है, जो मुझे लगता है कि शायद टाइप सी होना चाहिए था। दूसरा मुझे लगता है कि जो इसका रियर साइड में जो 2-2 मेगापिक्सल का लेंस है, मेरे हिसाब से वो 5 मेगापिक्सल का होना चाहिए था। और जो तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बल्की लगता है, अदरवाइज ये फ़ोन बहुत बढ़िया लगा। ये बेसिकली 3 नेगेटिव पॉइंट मुझे लगते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट, जिसके अंदर में पॉजिटिव पॉइंट ही पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है इसका परफॉर्मेंस, 9999 यानी 10,000 रुपये के फ़ोन में G80 का प्रोसेसर मिलना, साथ में 6000 mAh की बैटरी मिलना, ये भी एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। बैटरी कैपेसिटी भी ह्यूज है और 18 वाट की जो फास्ट चार्जर है बहुत बढ़िया है। और जो 16 मेगापिक्सल का इसका जो रियर साइड का लेंस है वो कमाल का है दोस्त। तो ये मिला के मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया फ़ोन है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस फ़ोन को 10 में से मेरी तरफ से कितने मार्क्स मिलने चाहिए, तो दोस्त मैं इसको कम से कम 8.5 मार्क्स देने वाला हूँ। नो डाउट इस बार टेक्नो ने बहुत कमाल किया है। 10,000 रुपये में आपको इतने सारे फीचर्स दे रहा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, बैटरी बहुत ही जो है, साथ में आपको 18 वाट का फ्लैश चार्ज भी मिल जाता है। इस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये फ़ोन बहुत बड़ी टक्कर देने वाला है Redmi 9 Prime को, जो इस सेगमेंट का मुझे लगता है कि लीडर है वो। इस हिसाब से मैं कहूँगा ये फ़ोन मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों आज के लिए बस लेता हूँ मैं विदा। आप अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।